बुधवार को मनपा के गांधी बाग जोन ने पीओपी मूर्ति के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पीओपी की मूर्तियां जब्त की गई। मंगलवार को महापौर दयाशंकर तिवारी और मनपा आयुक्त राधाकृष्ण बी ने आदेश देने के बाद बुधवार गांधीबाग जोन की ओर से शहर प्रसिद्ध चितारोली पीओपी मूर्ति की कार्रवाई की गई। बुधवार को गांधीबाग जोन के एनडीए दस्ते ने चितारोली के सभी दुकानों की जांच की और जिस भी दुकान में पीओपी मूर्ति बेचने के लिए उपलब्ध थी उस दुकान मालिक पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए पीओपी मूर्ति जब्त की गई। आज गांधीबाग जोन अंतर्गत पीओपी की कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई में यहाँ चितारोली एरिया में गणपति का जो मेन मुख्य गणपति के बनाने के इसमें आता है, ये मुख्य स्पॉट में क्या गणपति कार्रवाई की गई है। गणपति कार्रवाई में जो पीओपी की मूर्ति हमें दिखी वो पीओपी की मूर्ति को जब्त की गई है और 10,000 रुपये का दंडात्मक कार्रवाई की गई है। मनपा की इस कार्रवाई से मूर्ति व्यवसायी नाराज दिखाई दिए। हमारी टीम से बात करते हुए एक व्यवसायी ने बताया कि उन्होंने इस मामले में न्यायालय में याचिका दायर की। सभी राज्य सरकार की ओर से आई नियमावली में मूर्ति जब्त करने के कोई आदेश नहीं। उन्होंने मनपा पर आरोप लगाया है कि कुछ लोगों को खुश करने के लिए मनपा ये कार्रवाई कर रही है। कोर्ट में हमने 4.5 लाख मूर्तियां पीओपी की है उसको बेचने की परवानगी मांगी थी। कोर्ट ने उसको बेचने की परवानगी हमको नहीं दी। उसके लिए लेकिन PIL दाखिल करने के लिए माननीय किलोरकर साहब ने आदेश दिया कि उसको PIL करके दाखिल किया जाए ताकि उस विषय को पूरी तरीके से सुना जाए। हमको PUP आइडल केवल सजावट की वस्तु बोल के बेचने की परमिशन दी है माननीय कोर्ट ने। उस तरीके से लोगों के पास में जो PUP का साटा था वो लोग मिक्स करके बेच रहे हैं। अभी कार्रवाई कॉर्पोरेशन कर रही है। मेरे इस कॉर्पोरेशन से सिर्फ और सिर्फ इतनी ही विनती है कि दंड वसूला जाए न कि मूर्तियों को जब्त किया जाए, क्योंकि मूर्तियां जब्त करने से आपके लोग जो है महानगर पालिका के हो या शासन के किसी भी प्रकार के कर्मचारी वो मूर्ति या उठा के रखने के आदि नहीं है। उससे मूर्तियों में तोड़फोड़ होंगी, भगवान का अपमान होगा। भगवान का अपमान करके कॉर्पोरेशन क्या साबित करना चाहती है मैं समझना नहीं चाहता कि महापौर खुद एक ब्राह्मण व्यक्ति है और इस तरीके का कृत्य करना मेरे नजरों में उचित नहीं है। राज्य सरकार की गाइडलाइन मैंने अभी सारे पत्रकार बंधुओं को भी दी है, माननीय कमिश्नर साहब को भी उस दिन मैंने ये दिखाई थी। मैं उनसे पर्सनली मिला था और मैंने सारी चीज़ें उनको विस्तार से समझाई भी थी कि साहब इस तरीके से काम है, लेकिन उन्होंने अभी आपस में बैठकर जब्ती का प्रावधान लाया। ऐसा महाराष्ट्र शासन की गाइडलाइन में कहीं भी नहीं लिखा है कि मूर्तियां जब्त की जाएंगी। मेरा महापौर से और कमिश्नर से दोनों से ये नम्र निवेदन है कि मूर्तियां जब्त नहीं की जाए। जब्त करने से ट्रकों में डाली जा रही है, मूर्तियाँ टूट रही है, फूट रही है, भगवान का अपमान हो रहा है। एक प्रॉपर हिंदू धर्म के लिए आप इस तरीके की कार्रवाई कर सकते हैं। अगर मुस्लिम समुदाय के किसी विषय को लेकर आप इस तरीके की कार्रवाई करेंगे तो पूरी दुनिया जलती है। हिंदुओं की संस्कृति का अपमान करके कुछ लोगों को खुश करने के लिए माननीय महापौर इस तरीके का काम कर रहे हैं। कुछ 200-300 परिवार ऐसे हैं जिनको खुश करने के लिए ये किया जा रहा है। मंगलवार को हुए बैठक में महापौर और आयुक्त ने आदेश दिए थे कि जिस भी दुकान में पीओपी मूर्ति दिखाई दी उस दुकान को सील कर दे, मगर इस बारे में हमारी टीम ने मनपा अधिकारी से पूछा तो वे कुछ नहीं बोले, मानो उनके मुंह में किसी ने लड्डू भर दिए हो। एक बैठक हुई थी मनपा मुख्यालय में जब महापौर ने कहा था कि जहाँ भी पीओपी की मूर्ति मिलेगी उन जगह सील किए जाए, तो ऐसा कुछ कार्रवाई में होने वाला है? तो सील का तो सील के बारे में तो मनपा अधिकारी पीओपी मूर्तियों पर कार्रवाई तो कर रही है मगर उनके पास कागजों पर कोई आदेश नहीं थे। जब हमारी टीम ने उनसे आदेशों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि आदेश है मगर वे आखिर तक नहीं दिखा पाए। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे, BCN News नागपुर।